हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एके इंडिया में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 मई से रिलेटेड है और 3 मई के लिए बहुत ही खास है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन कौन कौन से है। तो पहली क्वेश्चन है, दुनिया में भाप इंजन से चलने वाली पहली नियमित यात्री रेलगाड़ी कब से चलनी प्रारंभ हुई। और बात कर लेते हैं पहली भारतीय फिल्म पिक्चर कौन सी थी और कब प्रदर्शित हुई थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब की थी, जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और कब से शुरुआत इसकी हुई थी। ये सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो में और इसका जवाब जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपको इन फ्यूचर इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते वीडियो में, और आगे बढ़ने पे जो पहला क्वेश्चन मिलता है हमें कि दुनिया में भाप इंजन से चलने वाली पहली नियमित यात्री रेलगाड़ी कब से चलना प्रारंभ हुआ था। तो 3 मई 1830 ईस्वी में दुनिया में भाप इंजन से चलने वाली पहली नियमित रेलगाड़ी चलना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पहली भारतीय फीचर फिल्म कौन और कब प्रदर्शित हुई थी। तो पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो कि 3 मई 1913 ईस्वी को प्रदर्शित किया गया था। और क्वेश्चन ऑफ डे जो इस आज का जो क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है। अगर इसका जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए है फ्रेंड्स, अगर नहीं पता है तो यहाँ आपको आई आइकन दिख जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप इस पर इस वीडियो को देख सकते हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब आपको 100% है कि मिल जाएगा। और जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 2 मई। बहुत लोगों ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब की थी। और तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ। तो जाकिर हुसैन का निधन से पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म जो था 8 तारीख को 1897 ईस्वी में हुआ था, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी को हो गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 1993 संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर 1% भी आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जहां भी हो वहां शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए मेहमान से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से।